एज अ सिटीजन हम सबको ये होता है कि देश के लिए एक ना एक दिन कुछ ना कुछ करना है। बस एक एक्साइटमेंट था कि कमांडो के साथ काम करना है। मुझे मेरे मोबाइल पर आया एक मेल जिसमें ये मेंशन था कि हम नेक्स्ट स्टेज के लिए क्वालिफाई हो गए हैं। तो ये प्रोजेक्ट ऐसा था मेकिंग हाई राइज बिल्डिंग इन अ डेजर्ट सैंड। देयर वर मेनी अ टाइम्स जब हमारा मोरल ग्राउंड लेवल नहीं अंडरग्राउंड लेवल पर चले गया था। हमने उन सारे नेगेटिव्स को एज अ पॉजिटिव्स लिया, हमने चैलेंज को एक्सेप्ट किया। बाय फेसिंग ऑल द चैलेंजेस वी हैव सॉल्व वन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ एनएसजी। ऑडियो ट्रांसमिट हुआ, कर्नल सर ने मेरे कंधे पे हाथ रख के बोला गुड शो। एंड दे ऑल वर शॉक्ड कि स्टूडेंट होके हमने इतना सब कुछ बना के डेमो दिया। और एनएसजी में जितने भी कमांडोस हमें देखने आए थे उस टाइम पे हमारे डेमोन्स्ट्रेशन को, सबने एक ही कॉम्प्लीमेंट दिया कि तुम्हारा डेमोन्स्ट्रेशन अब तक के जितने भी डेमोन्स्ट्रेशन हुए सबसे अच्छा हुआ। वर वेरी प्राउड क्योंकि देश के लिए हम कुछ हमारे हिस्से से हम कुछ कॉन्ट्रीब्यूट कर पा रहे हैं। 16th October 2021, Rising Day of NSG. उस दिन उन लोगों का ड्रिल YouTube पे लाइव आने वाला था। And as a defense enthusiast, मेरे को वो ड्रिल देखने का बहुत बड़ा मन था। Now, what is NSG? NSG stands for National Security Guard, which comes in action when there is a need of counter-terrorism. They come under the Ministry of Home Affairs. In 1993, Operation Ashwamedh NSG ने perform किया था, जिसमें टेररिस्ट ने प्लेन हाईजैक कर दिया था। विदिन 12 सेकंड एनएसजी ने सारे के सारे टेररिस्ट को किल कर दिया था। आफ्टर ड्रिल उनका एक कॉन्फ्रेंस था, उसमें मैंने वर्ड सुना हैकाथॉन। हैकाथॉन इस वर्ड का इंट्रोडक्शन एमएचआरडी ने किया 2017 में, जो जनरली 36 आवर्स का हैकाथॉन रहता है, जिसमें हम एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट चूज करके उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करना रहता है। बट दिस वॉजेंट जस्ट ए हैकाथॉन, इट वॉज एनएसजी डिजिरक्षक हैकाथॉन, जिसमें हमें 1 ईयर का टाइम गैप दिया गया। क्यों? क्योंकि हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट का सॉल्यूशन रेडीनेस लेवल 7 का प्रोवाइड करना था। अब रेडीनेस लेवल 7 माने अगर एक्चुअल कोई सिचुएशन हो, अगर कोई एक्चुअल एनिमी फोर्सेस के ऊपर हमें ये ऑपरेशन परफॉर्म करना हो, तो हमारा जो प्रोटोटाइप रहेगा वो एक्चुअली में वर्क करना चाहिए, हमें जो डेटा चाहिए वो एक्चुअली में प्रोवाइड होना चाहिए। दिस वॉज द फर्स्ट एवर हैकाथॉन ऑर्गेनाइज्ड बाय एनएसजी एंड वी वर सो एक्साइटेड टू टेक पार्ट इन दैट, क्योंकि हम सबको कमांडोज के साथ काम करना था। हालांकि हमें पता नहीं था कि प्रॉब्लम्स कैसे आएंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, बस एक एक्साइटमेंट था कि कमांडो के साथ काम करना है। एनएसजी डिजिरक्षक हैकाथॉन में टोटल 10 प्रॉब्लम स्टेटमेंट थे और उसमें से हमें सेलेक्ट करना था एक स्टेटमेंट। फ्रॉम दोस टू प्रॉब्लम स्टेटमेंट वी हैव चूजन वन प्रॉब्लम स्टेटमेंट, जिसमें हाईजैक एयरक्राफ्ट की स्कैनिंग करानी थी, जिससे हमें अंदर की डिटेल मिलती थ्रू ड्रोन। एंड हमने ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट इसलिए चूज़ किया था क्योंकि हम आईटी के स्टूडेंट हैं और हमारे में पूरा सॉफ्टवेयर का याद है। इससे इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट से हमें अपॉर्चुनिटी मिली थी कि हम इंटरफेस करना सीख जाएंगे हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर का। स्टेज वन में हमें कॉन्सेप्ट पेपर सबमिट करना था और कॉन्सेप्ट पेपर में हम क्या चीज़ें इंक्लूड करनी है, क्यों कर रहे हैं हम इंक्लूड, क्या हमारा सॉल्यूशन होगा, ये सब चीज़ें भी उसमें हमें इंक्लूड करनी थी। और उस स्टेज में टोटल 213 टीम्स थी। इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हमने कॉन्सेप्ट पेपर बनाने के लिए 50 प्लस रिसर्च पेपर पढ़े एंड 10 प्लस पेटेंट पढ़े। रिसर्च पेपर तो हमारे लिए नया था ही, पर हमारा बैकग्राउंड था आईटी का और उसके लिए हमें प्रोजेक्ट के लिए जो भी हमें प्रोटोटाइप बनाना था उसके लिए हमने बहुत सारी अलग अलग ब्रांचेस का भी सीखे, जैसे इलेक्ट्रिकल का सीखे, फिर हमें कैड मॉडल बनाना था ड्रोन का, तो जिसके लिए हमने मैकेनिकल के अंदर जितने भी सॉलिड वर्क्स आता है, फिर क्रियो आता है, वो सारे सॉफ्टवेयर को भी हमने सीखा। सो दिस प्रोजेक्ट वॉज नॉट ओनली अबाउट द आईटी फील्ड, इट वॉज इंटीग्रेशन ऑफ ऑल द फील्ड्स। अब बारी थी फॉर्मेटिंग की। फॉर्मेटिंग तो हमें आता नहीं था कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में करे या गूगल डॉक में करे। तो स्टूडेंट लाइफ के अर्लीएस्ट स्टेज में हमें ये पता चला कि एक रिसर्च पेपर या कॉन्सेप्ट पेपर को कैसे फॉर्मेटिंग करते हैं। As we have submitted our concept paper, we progress further to the next stage, which was our status check one, जिसमें out of the 213 teams, खाली 90 plus teams ही qualify हुई stage two के लिए। जो stage two basically था क्या? हमें एक online presentation देना था in front of all the commandos and the ones who had given the problem statement. Now that our presentation started, सबसे पहले तो tense माहौल था, क्योंकि हमारा यह first time ऐसा इतने सारे commandos के बीच में presentation दे रहे थे। But when they started giving us compliments about our formatting, the quality of the concept paper that we had submitted,
तो हमारे मन में आया कि चलो नहीं, हमने भी कुछ काम किया है, कुछ अच्छा किया है। इनफैक्ट उन्होंने हमें ये भी पूछा कि बेटा तुम थर्ड ईयर के स्टूडेंट हो या थर्ड सेमेस्टर के। वी डिडंट एंटीसिपेट व्हाट वाज नेक्स्ट। कमांडोज ने तो असॉल्ट राइफल से क्वेश्चन की फायरिंग ही शुरू कर दी थी कि व्हाट वाज द एल्टीट्यूड ऑफ ड्रोन, ड्रोन कितनी देर तक उड़ेगा, आउटपुट किस फॉर्मेट में मिलेगा, ड्रोन कितने दूरी से उड़ाओगे, क्वाडकॉप्टर ही क्यों चूज किया, स्कैनिंग कैसे करोगे, ड्रोन की फ्लाइट टाइम कितनी होगी, ओरल सिग्नेचर नॉइस कितनी रहेगी तुम्हारे ड्रोन की, ड्रोन का पेलोड क्या होगा। इतने सारे क्वेश्चन सुन के हम लोग तो ब्लैंक ही हो गए थे, बट थैंक्स टू हीमा मैम, उन्होंने सारी सिचुएशन संभाल ली। स्टेज वन की ऑनलाइन मीटिंग में क्वेश्चंस की इतनी ज्यादा फायरिंग हुई जिसकी वजह से हम नर्वस हो गए, पर ये जितने भी सारे क्वेश्चंस थे वो हमारे लिए फ्रूटफुल साबित हुए क्योंकि इसकी वजह से हमें प्रोटोटाइप में क्या चीजें ऐड करनी है वो हमें पता चला। स्टेज टू तो कंप्लीट हो गया, अब स्टेज थ्री की बारी। स्टेज थ्री में हमें वर्किंग प्रोटोटाइप सबमिट करना था। हमने ख्यालों में तो ड्रोन बना लिया था, ऐसा हमारा ड्रोन ऐसा होगा, हमारा ड्रोन वैसा होगा। अब हमारी बारी थी उस ड्रोन को एक्चुअली में बनाने की। जैसे मम्मी ये लोग घर पे यूट्यूब से देख के न्यू डिश प्रिपेयर कर देते हैं, ऐसे हमने भी यूट्यूब से देख के ड्रोन बनाना सीख लिया और उसके अकॉर्डिंग हमने 10,000 से 12,000 की किट ऑर्डर कर दी ऑनलाइन और ड्रोन बनाने बैठ गए। अभी था कैसे कि यूट्यूब की वीडियो में था वो सिर्फ 10 मिनट का, हमें सोचा कि हमें लगेगा इम्प्लीमेंट करने में 1 से 2 घंटे, पर हुआ क्या 3 दिन तक हमारा ड्रोन, 3 दिन लगे हमें ड्रोन कंप्लीट करने में और उसके बाद भी उड़ने लायक नहीं था। फिर हमने मार्केट का रिसर्च किया और मालूम पड़ा कि मार्केट में जो अच्छे ड्रोन अवेलेबल है वो 70,000 to 90,000 के और हमने सिर्फ इन्वेस्ट किए 10,000 से 12,000 और उसमें भी हमारी 1-2 बार ड्रोन में आग लग चुकी थी, तो इसी के कारण फर्स्ट स्टेज में हमारा वो ड्रोन उड़ नहीं पा रहा था। अब हमारा ड्रोन तो उड़ रहा था नहीं और हमारे पास टाइम भी बहुत कम था। अभी हमारे प्रोटोटाइप में एक और प्रॉब्लम था, बॉडी तो उसकी ड्रोन की थी पर उसकी आत्मा पेपर प्लेन की थी, क्योंकि हमारे बजट की इशू की वजह से हमारे कॉलेज में जो एग्जिस्टिंग लास्ट ईयर का एरो डिज़ाइन का जो कंट्रोलर था वो हमें यूज़ करना था। ड्रोन का टेक ऑफ होता है ऐसे, तो हमारा ड्रोन था वो उसका टेक ऑफ ऐसे होता था और वो भी सीधा नहीं, ऐसे ऐसे करके होता था। जब मैं ड्रोन फ्लाई करता था तो बाकी के 4 जने थे उनको ड्रोन के पीछे दौड़ना पड़ता क्योंकि हमारा ड्रोन कभी ठीक से सक्सेसफुली लैंड ही नहीं कर पाया। जैसे तैसे करके हमने अपना ड्रोन कंप्लीट किया और हम आरआरयू के लिए निकले। अब बारी थी प्रेजेंटेशन की, वी वर ऑन द ग्राउंड और वहां पर हमें उतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि हमारा ड्रोन अच्छे से उड़ पाएगा कि नहीं। कर्नल नितीश भटनागर हैड मोर फेथ इन अस देन वी हैड इन आवरसेल्व्स। ही लिटरली टुक द ड्रोन ऑफ द ग्राउंड एंड हेल्ड इट इन हिज हैंड्स ताकि हमें अच्छे से कॉन्फिडेंस आ पाए। उसके बाद फिर हमने ड्रोन उड़ाया, वो क्रैश भी हो गया बट फिर भी उन्होंने हमें ये अश्योर किया कि नहीं होता है ये। उसके बाद फिर हमारे प्रेजेंटेशन हुई, उनके सामने हमारे सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स बताए, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन का मॉडल जो हमने आईटी से ट्रेन करके लेकर गया था वो भी दिखाया। आफ्टर द प्रेजेंटेशन एंडेड वी अनऑफिशियली ऑल्सो फिगर्ड आउट कि आउट ऑफ द 90 टीम्स जो कॉन्सेप्ट पेपर रिव्यू में थी उसमें से सिर्फ और सिर्फ 20 टीम्स ही आरआरयू में पहुंची है इस स्टेज के लिए। स्टेज 3 खत्म होने के बाद 1 महीना हो चुका था, हमें पता नहीं था कि हम सिलेक्ट हुए हैं कि नहीं, आगे कुछ करना है कि नहीं। मुझे मेरे मोबाइल पर आया एक मेल जिसमें ये मेंशन था कि हम नेक्स्ट स्टेज के लिए क्वालिफाई हो गए हैं। वी वर वेरी वेरी हैप्पी फॉर दैट। स्टेज 3 में हमें ऑलरेडी बता दिया था कि हमें नेक्स्ट स्टेज में हमें प्रोटोटाइप हमें बनाना है, तो अभी प्रोटोटाइप ढंग से बनाना था जिसके लिए हमें फंड्स चाहिए थे, तो हमने उसके लिए हमारे कॉलेज में अप्रोच किया, फिर GTU में अप्रोच किया और बहुत सारी कंपनीज को भी अप्रोच किया हमने। अभी प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो हमारा था वो कॉन्फिडेंशियल था, तो हम लोगों को फंड के लिए अप्रोच तो कर रहे थे पर हम उनको बता नहीं पा रहे थे कि हमको करना क्या है एग्जैक्टली। और GTU में तो हमारे को एक सर ने मना ही कर दिया, ये जो टॉपिक है इसके ऊपर रिसर्चर्स और PhD वाले बच्चे इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, अभी तुम सिर्फ सेकंड ईयर में हो। तो हमने फंड जितना हमने मांगा था उससे हमें 50-55% हमें मिला था जो हमें कॉलेज और GTU दोनों में से मिला था। तब ये आधे बजट में हमने जितना भी हमको ओवरऑल प्रोटोटाइप बनाना था वो हमें इसमें मैनेज करना था। तो हमें उस टाइम पे मालूम पड़ा कितना टफ होता है बजट मैनेज करना। हमें इम्प्लीमेंट करने में बहुत कम टाइम मिला था एंड देन वी अप्लाइड द रूल ऑफ डिवाइड एंड कॉन्कर और सबकी अपनी अपनी स्ट्रेंथ फाइंड आउट किया और उस हिसाब से वर्क डिवाइड किया ताकि हम प्रोजेक्ट का आउटकम कम समय में बहुत अच्छे से दे पाए। अभी पूरा जो काम था वो फ्लो में अच्छे से चल रहा था और मानेसर जाने में भी बस 1 वीक जितना ही बाकी था और हम ड्रोन की टेस्ट फ्लाइट लेने के लिए गए, तो टेस्ट फ्लाइट ले रहे थे और ड्रोन क्रैश हो गया और 6 के 6 प्रोपेलर हमारे टूट गए। फिर हमने नए प्रोपेलर्स परचेस किए और उसके बाद भी हमारा ड्रोन क्रैश हो गया
और उसके बाद हमने हिमा मैम को रिपोर्ट किया और वो पहली टाइम था पूरे प्रोजेक्ट के टाइम पे कि वो हमारे ऊपर गुस्सा थे। उन्होंने हमें समझाया कि तुम्हें रिपोर्ट करना सीखना चाहिए क्योंकि प्रोफेशनल लाइफ में कम्युनिकेशन रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद मैम ने हमें इंट्रोड्यूस करवाया जेड एक्सिस से। जेड एक्सिस वाले जो थे वो ड्रोन की कंपनी थी और वो लोग पहले ही डिफेंस के लोगों के साथ काम कर चुके थे और अब तक हम लोग यूट्यूब से सब सीख के ड्रोन बना रहे थे। और ये पहली बार था कि हमने ड्रोन के एक्सपर्ट के साथ बैठ के हमारे ड्रोन में इम्प्रूवमेंट्स किए और उसके अकॉर्डिंग उसमें चेंजेस सारे किए। डिफेंस सेक्टर में किसी मशीन या व्हीकल को लॉन्च करने से पहले उसका नाम दिया जाता है। अभी माने सर जाने से पहले हम सबको भी हुआ कि क्यों ना हम अपने ड्रोन को एक नाम दें, तो हम गए पूज्यश्री दीपक भाई के पास उनके ब्लेसिंग्स लेने और वहीं पे उन्होंने हमारे ड्रोन को नाम दिया प्रतिष्कह, जिसका मीनिंग होता है द स्पाई। हमें पता नहीं था कि ये ब्लेसिंग्स हमें आगे जाके कहाँ कहाँ काम लगेगी। माने सर जाने से एक दिन पहले हमारे को बिल्कुल ड्रोन उड़ाने में कॉन्फिडेंस नहीं था, इसलिए हमने हमारे एक सीनियर मल्ल भाई से हेल्प ली जो इसी इंस्टीट्यूट से सैफरानी में से पास हुए हैं मैकेनिकल इंजीनियर और उनने एविएशन में बहुत काम किया है। और उसी दिन मल्ल भाई ने हमारी रात के 2 बजे तक हेल्प की थी और जब तक ड्रोन सक्सेसफुली फ्लाइट नहीं हुआ तब तक मल्ल भाई अपने घर भी नहीं गए थे। हैकाथॉन स्टार्टेड विद 213 रजिस्टर्ड टीम, उसमें से 90 टीम कॉन्सेप्ट पेपर के लिए क्वालिफाई हुआ। उसके बाद 20 टीम्स वर सिलेक्टेड फॉर स्टेज 3 एंड देयर वर ओनली 5 टीम क्वालिफाइड फॉर नेक्स्ट स्टेज एट मानेसर एंड वी वर वन ऑफ देम। अब प्रेजेंटेशन के टाइम हमें ड्रोन को फ्लाई करके दिखाना था, पूरी की पूरी चीजें रेडी, ड्रोन ग्राउंड पर रेडी, GPS पूरा सेटअप हो गया, सारे के सारे कमांडोज ड्रोन के कुछ अमाउंट ऑफ रेंज के दूर थे ताकि वो पूरे के पूरे ड्रोन को ऑब्जर्व कर सकें। बट अनफॉर्चुनेटली उसी टाइम बारिश चालू हो गई। यू वॉन्ट बिलीव, तुमको ऐसा लग रहा होगा कि ये कोई मूवी का सीन चल रहा है, बट अनफॉर्चुनेटली उसी टाइम सारी की सारी बारिश चालू हो गई। हमने ड्रोन को अंदर ले गया कॉन्फ्रेंस रूम में, बट फिर भी हमने 3 चीज़ें उन्हें दिखाई, लाइव कैम, ऑडियो ट्रांसमिशन एंड ऑब्जेक्ट डिटेक्शन। पर उसमें से भी ऑडियो डिटेक्शन प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा था। हमने बहुत सारे सॉन्ग बजा के ट्राई कर लिया, इंसान को बातें करा के ट्राई कर लिया, लेकिन ऑडियो का आउटपुट हमें रिसीव ही नहीं हो रहा था। इतना सब कुछ होने के बाद कमांडोज भी इंटरेस्ट खो बैठे थे कि ये वर्क नहीं करेगा। एट दैट टाइम आवर मेंटर सजेस्टेड कि एक स्पिरिचुअल सॉन्ग बजाओ, और जैसे ही सॉन्ग बजा इमीडिएट हमें आउटपुट भी मिल गया। तो इस टाइम पे हमें ऐसा लगा कि हम ड्रोन तो सर्वेलेंस के लिए बना रहे हैं, लेकिन कोई हायर पावर हम पे भी सर्वेलेंस रख रहा है। ये सब होने के बाद कमांडोज बहुत खुश हुए एंड द बेस्ट पार्ट वॉज कि वी वर द ओनली टीम कि जिनको उन्होंने NSG की मेस का लंच ऑफर किया था। हमारा स्टेज 4 जो था वो तो हमारा एक अच्छे नोट पर एंड हुआ था, पर ये जो स्टेज 5 था वो था एक तो फाइनल स्टेज था जिसमें हमारे पास टाइम कम था, फंड कम था, पर चैलेंजेस बहुत ज़्यादा थे और हमें प्रोटोटाइप में हमें बहुत सारी चीज़ें अपग्रेड भी करनी थी। पहले से ही हमारे माइंड में ना एक चीज़ क्लियर थी कि हर्डल आएगा तो फिर भी उसको टैकल तो करना है क्योंकि ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अभी काम हाथ में लिया है तो हमें कुछ भी करके स्टेज 5 में प्रोटोटाइप को अपग्रेड तो करना ही है और हम अपग्रेड किया हुआ प्रोटोटाइप ही हम वहाँ ले जाएंगे। और हमने वो किया क्योंकि ऑलवेज हमारा बैकअप प्लान रेडी था और हम अपग्रेड करके ही हम स्टेज 5 में गए। अब हमें कंपोनेंट्स तो जैसे तैसे मिल गए थे, पर कंपोनेंट्स को असेंबल करने के बाद ड्रोन फ्लाइट लेनी थी और ड्रोन फ्लाइट लेने के लिए हम जब भी जाते बैटरी लगाते वैसे ही बारिश हो जाती। ये हमारे साथ 5 दिन लगातार हुआ और इसलिए हम ड्रोन की टेस्टिंग कर ही नहीं पाए। हमारे कोड में एक्चुअल लाइन ऑफ कोड से ज़्यादा एरर्स की रेड लाइन दिख रही थी। इसके कारण पता नहीं कितनी रातों से हम सोए ही नहीं थे, मैक्सिमम 2 to 3 hours ऑफ स्लीप ईच डे, और हमारी ML मॉडल ट्रेनिंग वो तो रुकती ही रहती थी तो हम थे टोटली स्लीप डिप्राइव्ड। स्टेज 5 में हमें ड्रोन की फ्लाइट भी लेनी थी और सारी टेस्टिंग करके जाना था, तो उस टाइम पे हमने सारे चैलेंजेस ओवरकम किए और उसके बाद हमने वहाँ टेस्ट फ्लाइट्स भी एडवांस में ले ली थी एंड फाइनली हम NSG के हेडक्वार्टर्स दिल्ली गए। पालम के कॉन्फ्रेंस रूम में बहुत सारे डिग्नेटरीज बैठे थे, मेजर्स थे, लेफ्टिनेंट थे, कर्नल थे, ब्रिगेडियर्स थे और IPS भी थे। हमारा प्रेजेंटेशन जस्ट स्टार्ट हुआ था और ऑनलाइन जो गोलियां बरसी थी आज हमारे सामने बरस रही थी और सारी गोलियां हमारे सीने पे लग रही थी। हमने 10 से 15 मिनट का प्रेजेंटेशन प्रिपेयर किया था
पर वहाँ तो हमें बोला गया कि यू हैव ओनली 5 मिनट्स टू प्रेजेंट, डू वॉट एवर यू हैव। इस टाइम पे हम सब लोग ब्लैंक हो गए कि हम नेक्स्ट करें तो करें क्या। पर ये सिचुएशन में जितने भी कमांडोस थे उन्होंने, उनके सपोर्ट से हम बहुत खुश हुए, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन आईपीएस हमें पूछ रहे थे, तो जितने भी कमांडोस थे जिन्होंने हमारा थ्रू आउट द प्रोग्रेस देखा है पूरे पूरे के पूरे कॉम्पिटिशन में, उन्होंने हमारे जितने भी क्वेश्चन जिसके आंसर हम नहीं दे पा रहे थे वो उन्होंने दिए, और वो देख के हमें बहुत ऐसे अच्छा लगा कि ये एटलीस्ट हम क्वेश्चन के आंसर नहीं दे पा रहे पर वो लोगों ने हमें पूरा का पूरा सपोर्ट किया। ये नोट पे हमारा प्रेजेंटेशन खत्म हुआ और अब बारी थी हमारे ड्रोन के डेमोंस्ट्रेशन की। प्रेजेंटेशन इज नॉट ऑल अबाउट पीपीटी, तो हर एक स्टेज में हर एक लेवल के प्रेजेंटेशन का हमें एक्सपीरियंस मिला। जैसे हमारा डेमो शुरू हुआ उनने पूरा प्लेस चेंज कर दिया, उसकी वजह से हमारे पे प्रेशर और बढ़ गया जो पहले से तो था ही, और इससे पहले की टीम का सेम ड्रोन प्रोजेक्ट देख के उनका ड्रोन आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था, उसकी वजह से हमारे को वार्निंग भी मिली थी कि अगर आपका ड्रोन आउट ऑफ कंट्रोल गया तो आप उड़ाइए ही मत या फिर कुछ डेमो दिखाइए मत, तो इसकी वजह से ड्रोन मेरे को उड़ाना था तो प्रेशर मेरे पे ही था। और जैसे हम ड्रोन उड़ाने गए कर्नल सर ने हमारे ऊपर कंडीशन रख दी कि आपको ड्रोन सामने ड्रोन को देखना ही नहीं है, आपको सिर्फ कैमरे में आ रही ड्रोन की फीड को ही देखना है और उससे ही आपको लैंड कराना है और किसी से इंस्ट्रक्शन भी नहीं लेना है। लास्ट की हमारी जितनी भी फ्लाइट थी उसमें हम अनुज को वर्बली गाइड कर सकते थे कि लेफ्ट ले जा राइट ले जा जो भी करना है, बट दिस वॉज नॉट पॉसिबल एट दिस टाइम बिकॉज सारे कमांडोज सारे हमारे पीछे ही खड़े थे और इनफैक्ट वो हमें देख रहे थे कि अनुज कहाँ देखकर कैसे कंट्रोल कर रहा है ड्रोन को। जैसे हमने ड्रोन उड़ाया मेरे लेफ्ट साइड में नीरज था जो मेरे को सब पैरामीटर्स बोल रहा था, तो वो पैरामीटर मेरे को सुनने थे, और राइट साइड में केवल था जिसके लैपटॉप में से मैं लाइव वीडियो फीड देख रहा था और उसके हिसाब से लैंड करना था तो वहाँ मेरे को देखना था, और मेरे हाथ में रिमोट कंट्रोलर था जिससे मेरे को ड्रोन कंट्रोल करना था विथ हायर एक्यूरेसी, क्योंकि जैसे ही ड्रोन आउट ऑफ रेंज जाता हमारा ड्रोन क्रैश हो जाता। हमारे पूरे 4.5 लाख रुपये का ड्रोन एंड हमारी 1 ईयर की मेहनत सब 1 सेकंड में ख़त्म हो जाती, क्योंकि हमारा प्रेजेंटेशन भी इतना अच्छा नहीं गया था तो सब हमारा डेमोंस्ट्रेशन पे डिपेंड था, और माय लोअर बॉडी वाज टोटली शिवरिंग एंड माय अपर बॉडी वाज फुल्ली कंट्रोल्ड। एट दैट टाइम आई थिंक माय ऑल सेंसेस वर ओवरक्लॉक्ड, बट इन दिस सिचुएशन मैंने कैसे भी मैनेज करके ड्रोन को कार पे लैंड करा दिया, और ये मेरा फर्स्ट टाइम था ड्रोन को बिना देखे किसी व्हीकल पे लैंड कराना। इससे पहले मैंने सिर्फ ड्रोन देख के ही उड़ाया था और वो भी किसी व्हीकल पे लैंड नहीं कराया था, और व्हीकल पे एग्जैक्टली बीच में लैंड कराना था क्योंकि व्हीकल का शेप ऐसा था कि ऑडियो सेंसर ढंग से नहीं जुड़ता तो आवाज़ भी नहीं पहुँचती, और लिटरली हमें ये बिलीव नहीं हो रहा था कि अनुज ने पहली बार में ही ड्रोन इतना सक्सेसफुली इतने अच्छे से लैंड कर दिया, और वो भी विदाउट एनी वर्बल कम्युनिकेशन। जैसे ही ऑडियो ट्रांसमिट हुआ कर्नल सर ने मेरे कंधे पे हाथ रख के बोला गुड शो, और ये मेरे लिए सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट था। और एनएसजी में जितने भी कमांडोस हमें देखने आए थे उस टाइम पे हमारे डेमोंस्ट्रेशन को, सबने एक ही कॉम्प्लीमेंट दिया कि तुम्हारा डेमोंस्ट्रेशन अब तक के जितने भी डेमोंस्ट्रेशन हुए सबसे अच्छा हुआ। लंच के जस्ट पहले हमें ब्रिगेडियर सुयश शर्मा मिले जो पूरा जो डिजी रक्षक का हैकेथन था वो उनका ब्रेन चाइल्ड था, और उन्होंने हमें बोला कि ग्रेट वर्क बाय द होल टीम, और वो सुन के हमें बहुत प्राउड फील हुआ। और इनफैक्ट मेजर विक्रांत जिनका ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उन्होंने भी हमें आकर कहा कि हमारी लास्ट टाइम की परफॉर्मेंस के ऊपर से उन्हें भी कोई होप नहीं था कि हम इतना अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। उन्होंने हमें कॉम्प्लीमेंट किया और इनफैक्ट हमें वेरियस टिप्स भी दी जिनसे हम अपने मॉडल को और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। हर एक कमांडो जिन्होंने ये देखा था वो हमें आके पूछते थे कि आप लोग ने क्या बनाया है, ये ड्रोन किस कैसे बनाया है, आप क्या करते हो, तो हमने बोला कि हम स्टूडेंट्स हैं, एंड दे ऑल वर शॉक्ड कि स्टूडेंट होके हमने इतना सब कुछ बना के डेमो दिया, और ये सब होने के बाद हमारा उनके साथ बहुत अच्छा बॉन्डिंग बन गया एंड वी वर सो प्राउड कि हमें इतने सारे कमांडोज के साथ इंटरेक्ट करने को मिला। और वहाँ हमें पता चला कि दिस वॉज नॉट द लास्ट स्टेज, हमें 20 डेज का टाइम पीरियड दिया गया था नए चेंजेस या अपडेशन करने के लिए, उसके बाद एक डेमो था और वो बहुत अच्छा गया हमारा। अब बारी थी फेलिसिटेशन की। Felicitation was at 15th October 2022, one day before Rising Day. और Felicitation था मानेसर में। हम सब वहाँ पहुँच गए, पर वहाँ जाके पता चला कि फर्स्ट और सेकेंड रैंक को एलिमिनेट कर दिया है, क्योंकि उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई भी प्रोटोटाइप क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पाए हैं। तो हमारे अलावा एक टीम थी जो कि एक कंपनी से आए थे,
उनको मिला फर्स्ट रैंक यानी कि थर्ड प्राइज और हमें मिला फर्स्ट कॉन्सोलेशन प्राइज. टेक्निकली वी आर सेकेंड अमॉन्ग ऑल द टीम्स. और जब से ये प्रोजेक्ट हाथ में लिया तो हम पांचों को ऐसा था कि हमें एनएसजी के लिए डिफेंस के लिए कुछ करने को मिल रहा है और वो करने को मिल रहा है जो आज तक किसी ने किया नहीं था. ड्यूरिंग दिस होल प्रोजेक्ट वी वर वेरी प्राउड क्योंकि देश के लिए हम कुछ हमारे हिस्से से हम कुछ कॉन्ट्रीब्यूट कर पा रहे हैं. देर आर मैनी अ टाइम्स जब हमारा मॉरल ग्राउंड लेवल नहीं अंडरग्राउंड लेवल पर चला गया था बट क्योंकि सबकी हमारे ऊपर फेथ थी सबको हमारे पर कॉन्फिडेंस था कभी ना कभी हमें किधर ना किधर से तो कोई ना कोई मोटिवेशन मिल ही जाता था कोई ना कोई कॉम्प्लीमेंट. कहीं हम अटक रहे हैं तो किसी की हेल्प चाहे वो फैमिली हो फैकल्टीज़ हो फ्रेंड्स हो एनएससी कमांडोज हो वेरियस फील्ड एक्सपर्ट्स हो और इवन आवर टीम मेंबर्स ये सारी जितनी भी चीज़ें थी ना इन सब के कारण ही हम आज यहाँ पहुँच पाए. उस टाइम पे लोग हमें इनकरेज तो कर रहे थे पर साथ ही साथ डिस्करेजमेंट भी बहुत थे. फिर फील्ड एक्सपर्ट्स बोल रहे थे कि ये प्रॉब्लम तुम सॉल्व नहीं कर पाओगे तुम लोग अभी बहुत छोटे हो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. पर हमने उन सारे नेगेटिव्स को जो पॉजिटिव्स लिया हमने चैलेंज को एक्सेप्ट किया एंड टुडे वी आर वेरी ग्लैड दैट वी हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड दिस प्रोजेक्ट. ये प्रोजेक्ट ऐसा था मेकिंग हाई राइज बिल्डिंग इन अ डेजर्ट सैंड. वी हैव नो आइडिया व्हाट वी हैव टू मेक. हमारे पास कुछ रिसोर्सेज या कुछ भी नहीं था. हमने ग्राउंड लेवल से स्टार्ट किया था और अनटिल नाउ बाय फेसिंग ऑल द चैलेंजेस वी हैव सॉल्व वन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ एनएसजी. इससे हमें ये सीखने को मिला कि आगे हमारी लाइफ में कोई भी चैलेंजेस आएंगे तो हम उसे आसानी से टैकल कर पाएंगे. इस पूरे प्रोजेक्ट से एक चीज तो पक्की हो गई, चैलेंज चाहे छोटा हो या बड़ा, ऑलवेज गिव इट अ ट्राई बिकॉज़ वी नेवर नो वेयर दिस अपॉर्चुनिटी विल टेक अस. ये पूरे प्रोजेक्ट में हम कई लोगों को थैंकफुल है पर स्पेशल थैंक्स टू एनएसजी कि ये प्लेटफॉर्म ये कॉम्पिटिशन ओपन फॉर ऑल रखने के लिए कि जिससे हमारे जैसे यूथ इसमें पार्टिसिपेट करके हमारे हिडन टैलेंट्स है कैपेबिलिटीज़ है जो हमें खुद को भी नहीं पता वो हम ढूंढ पाए. एनएसजी कमांडो से डिसिप्लिन और पंक्चुअलिटी तो सीखने को मिला ही पर इतने बड़े रैंक पे होने के बावजूद हम जैसे स्टूडेंट्स से उन्होंने जिस तरीके से डील किया उससे ये सीखने को मिला कि चाहे आप जितने भी बड़े पोस्ट पे हो आप हर एक इंसान से कैसे बात करते हो वो ज्यादा इम्पोर्टेंस रखता है. मी एंड माई टीम आर वेरी ग्रेटफुल टू ऑल द एनएसजी कमांडोज फॉर गिविंग अस द मोस्ट फैबुलस एक्सपीरियंस ऑफ आवर स्टूडेंट लाइफ.